इंटेरोगेटिव के बारे में ज्यादातर बच्चों को लगता है कि भाई क्वेश्चन मार्क देखेंगे और पता लग जाएगा इंटेरोगेटिव है, नहीं तो WH देखेंगे और पता लग जाएगा इंटेरोगेटिव है। लेकिन मैं कुछ अलग पढ़ाने वाली हूं, तो ध्यान मेरी तरफ ले आइएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि WH या क्वेश्चन मार्क देखते ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि WH और क्वेश्चन मार्क देखते ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। देखो एग्जाम्पल से, मैंने कहा व्हाई यू आर डूइंग दिस। अब जिसको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता ना, वो इसको देख के बोल देगा हाँ यार ये तो इंटेरोगेटिव लग रहा है, क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है, WH भी दिख रहा है, ये तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। पर ये है नहीं। ये पता है इंटेरोगेटिव कब होगा? जब मैं इसे लिखूंगी Why are you doing this? आप ध्यान से देखो, मैंने एक भी अल्फाबेट या वर्ड बदला नहीं है, सब कुछ सेम है, बस मैंने दो शब्दों की पोजीशन को आपस में पलट दिया है। तो सबसे पहला तो ये भ्रम अपने दिमाग से मिटा लो कि WH या क्वेश्चन मार्क से इंटेरोगेटिव बनता है। नहीं, अगर आपको इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही जानना है तो हेल्पिंग वर्ब जब जब सब्जेक्ट से पहले आगी सेंटेंस पक्का इंटेरोगेटिव होगा। जब जब आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी सेंटेंस 100% इंटेरोगेटिव होगा। ध्यान दो, किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। जब जब वो सब्जेक्ट के बाद आएगी वो इंटेरोगेटिव हो ही नहीं सकता, वो सेंटेंस सिंपल होगा, या उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बुलाती है ग्रामर। पर अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो आप उसे इंटेरोगेटिव ना समझें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो ही वो इंटेरोगेटिव बनेगा। देखो बेटा, एक सिंपल एग्जांपल से देखो, मैंने कहा आई एम हैप्पी और एक मैंने बोला एम आई हैप्पी। अब मेरे को ये बताओ कौन सा इंटेरोगेटिव है, पहला या दूसरा? समझे आप? आई एम हैप्पी में पूछ थोड़ी रहे मैम, इसमें तो बता रहे हैं, तो ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है क्या मैं खुश हूं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? नोटिस करो, सब तो सेम है। एक में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है और एक में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। तो अगर आपको इंटेरोगेटिव पहचानना है तो एक ही चीज तो चेक करनी है, आखिर हेल्पिंग वर्ब है कहां पे। हाँ चलो, स्टैटिक वर्ब, एक बच्ची बार बार लिख रही है स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब। आखिर हमारी स्टैटिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो है कहां पे? अगर वो सब्जेक्ट के बाद है तो सेंटेंस सिंपल है पक्का, चाहे WH है नहीं है। अगर आपका वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया ना तो 100% इंटेरोगेटिव है, कोई उसे बदल ही नहीं सकता।